बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहरिया टाउन लाहौर में 10 मरले घर लेके आया हूँ। इसकी जो डिमांड मालिक ने हमसे की है वो 2,60,00,000 रुपया निगोशिएशन प्राइस है। तो अब इस घर के बारे में बताता हूँ आपको मैं। ये इसके फ्रंट एलिवेशन है, अगर हम इस घर के राइट साइड पे बात करें तो राइट साइड पे ही कारपेटेड रोड जा रहा है, और इसी तरह अगर हम इस घर के लेफ़्ट साइड की बात करें तो लेफ़्ट साइड पे ही कारपेटेड रोड है। तो चलें गाइस इसकी विज़िट की तरफ चलते हैं। ये गाइस इसका मेन गेट है, ये इसका ग्रीनरी एरिया, इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड, ये इसका मेन गेट, ये इसका कारपोश एरिया, और यहाँ पे राइट साइड पे भी ये सिटिंग एरिया। इसमें आप एट द सेम टाइम 2 से 3 गाड़ी जो है वो पार्क कर सकते हैं। ये गाइस इसकी मेन एंट्रेंस है, हम इसके ड्राइंग रूम से एंटर होते हैं। ये गाइस इसका जो ड्राइंग रूम है, सीलिंग व्यू, तो ये गाइस इसका सीलिंग व्यू है इस ड्राइंग रूम का। अब हम चलते हैं इसके टीवी लॉन की तरफ। तो ये कह रहे इसका टीवी लॉन है, सीलिंग व्यू, झूमर लगे हुए हैं बहुत खूबसूरत, और ये सामने ओपन किचन है। किचन के विजिट की तरफ चलते हैं। तो ये गाइस इसका ओपन किचन, ग्राउंड फ्लोर पे जो है हुड लगा हुआ, किचन का सीलिंग व्यू, ये यहाँ पे छोटी सी कबर्स दी हुई हैं जहाँ पे आप कोई काम कर सकते हैं। अब गए चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो ये गए इसका फर्स्ट बेडरूम है, वॉल के ऊपर वॉलपेपर लगा हुआ है, सीलिंग व्यू, साथ ही अगर हम इसके लेफ्ट साइड पे बात करें तो लेफ्ट साइड पे गाइस यहाँ पे ये अलमारियाँ लगी हुई हैं बहुत ही खूबसूरत, वुड का जो है डोर है। अब गाइस चलते हैं इसके अटैच वॉशरूम की तरफ। ठीक है, इसका अटैच वॉशरूम है, शॉवर एरिया, वॉशरूम का सीलिंग व्यू, और यहां पे कंबोर्ड पड़ा हुआ है, अब चलते हैं गाइस के सेकंड बेडरूम की तरफ। तो ये गाइस इसका सेकंड बेडरूम है, ये इसकी वॉल है, उसके वॉल पर लगा हुआ है बहुत ही खूबसूरत सीलिंग डिजाइन है, ये इसका सीलिंग व्यू, और अगर इस तरफ की बात करें तो यहाँ पे वाइट कलर में बहुत ही खूबसूरत अलमारियाँ बनी हुई हैं। अब चलते हैं गाइस इसके अटैच वॉशरूम की तरफ। तो ये गाइस इसका अटैच वॉशरूम है, शॉवर एरिया, ये कंबोर्ड पड़ा हुआ है,
और ये गाइस इसका लोबी एरिया, लोबी एरिया की सीलिंग। ये टीवी लॉन, और यहाँ पे ये थोड़ी सी स्पेस दी गई है, और ये बाहर की तरफ जो डोर ओपन होता है लॉक लगा हुआ शायद। आप चलते हैं ऊपर वाले पोर्शन की तरफ, सेकंड पोर्शन की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये गाइस सेकंड पोर्शन का लॉबी एरिया, ये इसके लॉबी एरिया, और हमारी लेफ्ट साइड पे जो है वो टेरेस है। ये गाइस टेरेस है, जैसे गाइस हम ऊपर आए हैं तो हमारी राइट साइड पे ओपन किचन दिया गया, ओपन किचन, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया किचन। और ये गाइस इसका टीवी लॉन है, बहुत खूबसूरत झूमर लगे हुए हैं, सीलिंग व्यू। हमारे राइट साइड पे फर्स्ट बेडरूम है इसका, सीलिंग व्यू, मेन वॉल, हमारा रोशनर वॉल लगी है जिसमें खिड़की लगी हुई है। ये इसका अटैच वॉशरूम गाइस, इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम, शॉवर एरिया, ये यहाँ पे कंबोर्ड पड़ा होगा। ये गाइस इसका सेकंड बेडरूम, सीलिंग व्यू, अब हम गए चलते हैं इसके अटैच वॉशरूम की तरफ। ये गए इसके अटैच वॉशरूम, शॉवर एरिया, ये यहाँ पे कमोड पड़ा होगा। अब चलते हैं गाइस हम इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। तो ये गाइस इसका सेकंड बेडरूम है, सीलिंग व्यू, मेन वॉल, और इसकी राइट साइड पे इस रूम की अलमारियां दी गई है वाइट कलर में। अब हम गए चलते हैं इसके अटैच वॉशरूम की तरफ। ठीक है, इसका अटैच वॉशरूम, शॉवर एरिया, ये कंबोर्ड पड़ा हुआ। अब हम गए चलते हैं इसके ऊपर वाले पोर्शन की तरफ। काइंडली मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। ये हम आगे इसके ममटी एरिया में, ये इसकी गैस ममटी है। हम गए छत पे आ गए, ये गैस इसकी छत है। ये ऊपर एक रूम दिया गया जिसमें आप अपने वर्कशॉप रख सकते हैं, खान चम्मा वगैरह को।
ये रूम है और इसके इसी रूम के अंदर ही जो है ना अटैच वॉशरूम दिया गया। और ये जो है ये इसकी टंकी पड़ी हुई है और आप देख सकते हैं इसके राउंड अबाउट सारे घर जो हैं बने हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बरकत मिल सके।